अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इंटेग्रिटी की। तो इंटेग्रिटी की का मतलब है आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट फॉर्म में हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो, कंप्लीट फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल, आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड करते हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्म में ही सेंड हो, ठीक है, उसको रास्ते में कोई चेंज ना करे, उसको आल्टर ना करे। डेटा आपका मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह ओरिजिनल फॉर्म में हो, कंप्लीट फॉर्म में हो, मतलब वो जो है एक्यूरेट फॉर्म में हो और रियल फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं इंटेग्रिटी। ये इंटेग्रिटी था। उसके बाद हमने देखा था अथेंटिसिटी। अथेंटिकेशन में भी ये है कि आपका डेटा जो है ओरिजिनल फॉर्म में सेंड हो, ओरिजिनल हो आपका डेटा जो स्टोरेज में है या ट्रांसमिशन लाइन पे है या जो है आपके सिस्टम में है, प्रोसेसिंग फॉर्म में है। उसके बाद जो है अवेलेबिलिटी की, आपका डेटा, आपका सिस्टम जो है उसकी अवेलेबिलिटी यूजर के लिए इंश्योर होनी चाहिए, अथोराइज पर्सन के लिए। ये जो है की पॉइंट थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, ठीक है। तो ये प्रीवियसली लेक्चर के थे, इनको आपने माइंड में रखना है आज का लेक्चर पढ़ने के लिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं थ्रेट कॉन्सिक्वेंसेस। थ्रेट के जो नतायज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखें। थ्रेट क्या होता है? कोई अटैक होता है जो कोई अनऑथोराइज पर्सन, कोई एंटिटी, कोई जो है एक्शन परफॉर्म करता है आपके डेटा को, आपके कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको थ्रेट बोलते हैं। ये हमने टर्मिनोलॉजीज स्टडी की थी। तो थ्रेट कॉन्सिक्वेंसेस चार तरह के होते हैं। अनऑथोराइज डिस्क्लोजर, अनऑथोराइज डिस्क्लोजर वही बात आ गई, ये क्या होता है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट होता है। आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक किया जाता है, आपके डेटा को या तो कॉपी किया जाता है या अनऑथोराइज एक्सेस वहां तक की जाती है, आपके डेटा तक या आपके सिस्टम तक। इसको बोलते हैं अनऑथोराइज डिस्क्लोजर, जिसमें आपका डेटा एक्सप्लोर हो सकता है, इंटरसेप्शन, इंटरफेरेंस एंड इंट्रूजन, ये टर्म्स नीचे डिफाइन की गई हुई है। एक्सप्लोरेशन सेंसिटिव डेटा इज डायरेक्टली रेज्ड टू अनऑथोराइज एंटिटी, कि आपका डेटा जो है कोई भी अनऑथराइज एंटिटी जो है वो देख लेती है, एक्सप्लोर कर लेती है। उसके बाद जो है इंटरसेप्शन क्या है, कि वही बात, इसमें भी अनऑथराइज एंटिटी आपके डाटा को, सेंसिटिव डाटा को एक्सेस कर ले, तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरफेरेंस, अनऑथराइज एंटिटी डायरेक्टली एक्सेस सेंसिटिव डाटा बाय रीजनिंग फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन हो रही होती है डाटा की, उसमें से कोई अनऑथोराइज एंटिटी आपके डाटा को एक्सप्लोर कर ले, उसको देख ले या जो है एक्सेस कर ले, दैट इज इंटरफेरेंस। उसके बाद जो है डिसेप्शन क्या होती है, डिसेप्शन होती है फेकनेस या चीटिंग होती है, आपका डेटा जो है कोई एक्सेस करके उसको चेंज कर दे, ठीक है। तो ये दूसरा थ्रेट होता है। उसके बाद डिस्ट्रप्शन आ जाती है। डिस्ट्रप्शन में क्या होता है, ये भी एक थ्रेट है, आइदर सिस्टम इंटेग्रिटी, ये इंटेग्रिटी अटैक होता है। मतलब अगर कोई आपका डेटा जो है वो चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे या उसको खराब कर दे, डेटा आपका कंप्लीट ना पहुंचे या आपके डेटाबेस में कंप्लीट ना रहे, आपका डेटा ओरिजिनल ना रहे, आपका डेटा रियल फॉर्म में ना रहे, आपका डेटा एक्यूरेट ना रहे, तो ये डिस्ट्रप्शन थ्रेट होता है, ठीक है। डिस्ट्रप्शन अटैक होता है, आपकी इंटेग्रिटी पे अटैक होता है। उसके बाद जो है लास्ट वन, यूज सप्रेशन, ये मिस यूज आपके डेटा का, आपके सिस्टम का, आपके रिसोर्सेज का जो मिस यूज होता है, इसको यूज सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये थ्रेट कॉन्सिक्वेंसेस है। उसके बाद जो है स्कोप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी स्कोप का मतलब है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वहां पे सिक्योरिटी कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए चार चीजें हैं सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए, चार कंपोनेंट है सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए, आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड ट्रांसमिशन लाइंस। ये नीचे मैंने नोट्स में दे दिया है, आपने जो स्लाइड्स ने देखी है नोट्स से देख लेना, नीचे यहाँ से आप देख लेना, समझ लेना बाद में। और इसके अलावा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा कुछ। तो देखिए सबसे पहले जो है हार्डवेयर को सिक्योर करना जरूरी है, ठीक है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी मेथड, सिक्योरिटी टेक्निक, सबसे पहले हार्डवेयर को सिक्योर करने के लिए जो जरूरी है, ये मैकेनिज्म जो है ये नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। तो देखें पहले हार्डवेयर, अ मेजर थ्रेट
इज थ्रेट टू अवेलेबिलिटी, आपका कोई जो है रिसोर्स, हार्डवेयर रिसोर्स जो है थेफ्ट कर ले या उसको डैमेज कर दे, तो देखिए आपका जो, जब एक रिसोर्सेज ही डैमेज हो गया तो आपकी सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, तो आपका सिस्टम अनअवेलेबल हो जाएगा। तो ये अनअवेलेबिलिटी अटैक से बचने के लिए सबसे पहले हार्डवेयर को, आपके फिजिकल रिसोर्सेज को सिक्योर करना जरूरी है, आपके फिजिकल रिसोर्सेज पे के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करना जरूरी है, वो फिजिकल सिक्योरिटी हो या वो जो है सॉफ्टवेयर टाइप सिक्योरिटी हो। अ मेजर थ्रेट इज थ्रेट अवेलेबिलिटी, जब उसकी अवेलेबिलिटी को जो है थ्रेट करना, अटैक करना उसके ऊपर, हार्डवेयर इज मोस्ट वल्नरेबल टू अटैक एंड बेस्ट सस्पेक्टेबल, मतलब आपका जो सबसे पहले हार्डवेयर है वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई फ्लॉ जो वीक है, मतलब हार्डवेयर को कोई इजीली सबसे पहले हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। अगर कोई आपके हार्डवेयर को ही कंट्रोल कर ले, इट मीन आपका सारा सिस्टम जो है वो अपने कंट्रोल में कर सकता है, फिर वो डैमेज भी कर सकता है, वो आपका, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी ब्रेक कर सकता है। इसमें कैसे वो जो है डैमेज कर सकता है, आपके हार्डवेयर इक्विपमेंट को वो डैमेज कर सकता है या थेफ्ट कर सकता है, आप कोई सीडी रोम या डीवीडी आपकी स्टोरेज में से वो कोई एक स्टोरेज का पार्ट ही निकाल के ले जाए, आपकी डीवीडी निकाल के ले जाए या सीडी रोम निकाल के ले जाए, उसने अब क्या किया, एक तो सिस्टम की अनअवेलेबिलिटी अटैक हो जाएगा, ठीक है, आपका सिस्टम अनअवेलेबल आ जाएगा जब उसने आपके स्टोरेज पार्ट को ही निकाल लिया। तो पहला अटैक तो ये हुआ कि आपको वो स्टोरेज ही नहीं मिल पाएगी, आपका डाटा ही चला गया। दूसरे नंबर पे कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका वो जो पर्सनल डाटा था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल डाटा था, वो भी उस पर भी अटैक हो गया, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही उसने जो है वो चुरा ली है। तो सबसे पहले आपके हार्डवेयर को सिक्योर करना जरूरी है, ठीक है, इसके लिए अवेलेबिलिटी के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अ की थ्रेट इज एन अटैक ऑन अवेलेबिलिटी। अब देखें, आपके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको भी सिक्योर करना जरूरी है, उस पे भी अवेलेबिलिटी अटैक भी हो सकता है, उस पे कॉन्फिडेंशियलिटी अटैक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, सॉफ्टवेयर इज ऑफन इजी टू डिलीट, अगर कोई आपका सॉफ्टवेयर डिलीट कर दे, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर को चेंज कर दे या आपके सॉफ्टवेयर को डैमेज कर दे, तो देखिए क्या क्या अटैक हो सकते हैं, आपका सिस्टम अनअवेलेबल हो जाएगा, सिस्टम की एक्सेस ही नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको आवाज ना आए या कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को जो है सिक्योर करना सबसे पहले, अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उनको सिक्योर करना आपके सिस्टम में। उसके बाद जो है आपका डेटा, मोर इम्पोर्टेंट चीज, डेटा तो सबसे अहम होता है, उसको सिक्योर करने के लिए हार्डवेयर को सिक्योर करना भी जरूरी है, सॉफ्टवेयर को सिक्योर करना भी जरूरी है, क्योंकि आपका हार्डवेयर सिक्योर होगा, आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर होगा, फिर ही आपका डाटा जो है एक सिस्टम में सिक्योर होगा। उसके बाद डाटा को सिक्योर करने के लिए आपका नेटवर्क भी सिक्योर होना चाहिए, नेटवर्क में डाटा एक सिस्टम से दूसरी जगह जब ट्रांसफर हो रहा होता है, उस वक्त वो सेंसिटिव फॉर्म में होता है, उस वक्त बहुत वल्नरेबिलिटी फॉर्म में होता है आपका डाटा, उस वक्त जो है कोई उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर सकता है, उसकी इंटेग्रिटी ब्रेक कर सकता है, ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ब्रेक कर सकता है। तो डाटा पे तीन तरह के अटैक हो सकते हैं, इन्वॉल्व फाइल्स और अदर इन फॉर्म ऑफ डाटा, वो फाइल्स की फॉर्म में, स्टोरेज की फॉर्म में हो सकता है आपके सिस्टम में डाटा, या ट्रांसमिशन लाइन्स पे हो सकता है, ठीक है, जब कम्युनिकेशन हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। तो सिक्योरिटी कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू डेटा ब्रॉड इनकम्प्रोमाइजिंग अवेलेबिलिटी सेक्रेसी एंड इंटेग्रिटी। अब देखें, इस पे तीनों तरह के अटैक हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी सेक्रेसी होता है मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी, तीनों तरह के डाटा के ऊपर अटैक हो सकते हैं, वो स्टोरेज की फॉर्म में हो या वो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन की फॉर्म में हो। इन द केस ऑफ अवेलेबिलिटी द कंसर्न विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा फाइल्स व्हिच कैन बी अकर आइदर एक्सीडेंटली और मलिशियसली। अब देखें, वो डाटा की फाइल जो है एक्सीडेंटली भी जो है वो आपसे डैमेज हो सकती है, या मलिशियसली मतलब उस पे कोई थ्रेट जो है वो अटैक कर सकता है, कोई वायरस अटैक कर सकता है।
तो ये स्कोप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी किन किन कंपोनेंट्स पे अप्लाई करना जरूरी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा, ये अभी तक हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास है नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक। नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक एक अलग से हम पूरा डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे चैप्टर। इसमें आपने जस्ट थोड़ा सा देखना है कि इसमें नेटवर्क में किस तरह का अटैक हो सकता है। एक नेटवर्क में स्टूडेंट्स दो तरह के अटैक होते हैं, पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक। मैंने आपको बताया भी था पैसिव अटैक क्या होता है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड करते हैं, नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, आपका मैसेज, आपका डाटा जो है, आपका कंटेंट ट्रेवल हो रहा है, तो उस पर पैसिव अटैक हो सकता है और एक्टिव अटैक हो सकता है। पैसिव अटैक मैंने आपको बताया था कि कोई जो है आपके डेटा को, आपके मैसेज को, आपके कंटेंट को एक्सेस करके रीड कर ले, जस्ट उसको देख ले, आपकी ट्रैफिक को एनालिसिस कर ले कि आप क्या क्या सेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि पैसिव अटैक है, ठीक है, आपके डेटा को कोई नुकसान ना पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई थर्ड पर्सन, कोई जो है अटैकर, कोई हैकर जो है आपके दरमियान से आपकी व्हाट्सएप के मैसेज देख रहा हो, इसका मतलब है ये आपके व्हाट्सएप पे, ये कम्युनिकेशन पे पैसिव अटैक है, मतलब आपके इंफॉर्मेशन, मैसेज उसने देख लिया, कंटेंट, बट उसने कुछ किया नहीं, चेंज नहीं किया। लेकिन एक्टिव अटैक में क्या होता है, अगर कोई बंदा, आप डेटा को सेंड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह यूजिंग नेटवर्क, आपके डेटा को एक्सेस कर ले, एक तो डेटा को, इंफॉर्मेशन को देख ले, ठीक है, ये तो जो है मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक कर दिया, क्या आपके डेटा को देख लिया, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो गई। दूसरे नंबर पे उसको चेंज भी कर दे, डैमेज कर दे डेटा को, ठीक है, मॉडिफाई कर दे, या आपकी जगह वो रिप्लाई कर दे, ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिव अटैक। एक तो इसमें दो तरह के अटैक हो गए, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रेक हो गई, उसके बाद आपकी इंटेग्रिटी भी ब्रेक हो गई, ठीक है। तो एक्टिव अटैक में क्या होता है, आपके डेटा को एक्सेस भी कर लेता है, देख भी लेता है, उसके अलावा उसको मॉडिफाई कर दे, या जो है आपकी जगह वो रिप्लाई कर दे। अब आपके रिसीवर को लगेगा शायद आपने रिप्लाई किया, लेकिन वो चेंज करके आपकी जगह कोई और मैसेज कर दे, ठीक है, या डेटा को मॉडिफाई कर दे, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दे, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, या आपको मैसेज को जाने ही ना दे, रास्ते में ही ब्रेक कर दे, ठीक है। तो ये होते हैं एक्टिव अटैक। एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स तीन पहलू होते हैं, ठीक है, तीन पहलू कौन कौन से होते हैं सिक्योरिटी के, तीन जो है पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है सिक्योरिटी अटैक, फिर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, फिर सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी अटैक, आपके सिस्टम के ऊपर, आपके डेटा के ऊपर जो है अटैक करना, कोई एक्शन, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एक्शन परफॉर्म करना, ये तो हो गया सिक्योरिटी अटैक, ठीक है। दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी सर्विसेज है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म बाद में आता है, दूसरे नंबर पे है सिक्योरिटी सर्विसेज। आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, उनको बोलते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। वो एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, वो या कोई और टूल्स हो सकते हैं, उनको सिक्योरिटी सर्विसेज बोलते हैं। उसके बाद थर्ड वन आ जाता है हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, सिक्योरिटी आपके रिसोर्सेज को, डाटा को सिक्योर करने की टेक्निक्स, मेथड्स, उनको बोलते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म। दोबारा रिपीट करता हूँ, सिक्योरिटी अटैक क्या है, आपके डेटा के ऊपर कोई थ्रेट जो है अटैक करता है, उसको डैमेज करने के लिए, हार्म करने के लिए, आपके सिस्टम को हार्म करने के लिए, उसको सिक्योरिटी अटैक बोलते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा बैंकिंग के ऊपर एटीएम मशीन के ऊपर लिखा होता है वन लिंक, या दूसरे इस तरह के जो है ना वो लिखे होते हैं वन लिंक। अब क्या है, ये एक सिक्योरिटी सर्विस है, ये एक थर्ड पार्टी सिक्योरिटी के फीचर्स प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सिस्टम को सिक्योर करती है, एटीएम सिस्टम को सिक्योर करती है। कैसे सिक्योर करती है, वो कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो कुछ जो है हार्डवेयर प्रोवाइड करती है जिनके थ्रू आपका वो सिस्टम सिक्योर हो जाता है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज।
तो इसको हम नेक्स्ट स्टडी भी करेंगे सिक्योरिटी सर्विसेज को। उसके बाद सिक्योरिटी मैकेनिज्म, वो मेथडोलॉजीज, वो प्रोग्राम्स, वो जो है टूल्स जो सिक्योर किसी सिस्टम को सिक्योर करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं उनको बोलते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स। तो नीचे नोट्स में भी मैंने लिखा है, देखें सिक्योरिटी अटैक जो होता है एन एक्शन दैट कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो सिक्योरिटी पर अप्लाई की हुई है अपने सिस्टम के ऊपर, अगर वो कोई ब्रेक कर देता है, कंप्रोमाइज कर देता है, इट मीन ये आपकी सिक्योरिटी के ऊपर अटैक हो गया है। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है? अ प्रोसेस और अ डिवाइस और अ प्रोसेस दैट इज डिजाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट, रिकवर फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक। अगर आपके सिस्टम के ऊपर कोई अटैक हो गया है या होने वाला है, ठीक है, या हो रहा है, उसको तो ऐसी ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे टूल्स जो उस अटैक को पहले ही डिटेक्ट कर लें या उसको बचाएं अटैक होने से, ठीक है, पहले ही डिटेक्ट कर लें, फिर उस अटैक से बचाएं, उसके बाद अगर अटैक हो ही गया है तो फौरन से रिकवर कर लें, फौरन से सिक्योर करें, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कोई डिवाइसेस, कोई टूल्स, कोई सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो जो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को बचाते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं अटैक्स को, थ्रेट को, फिर बचाते हैं या रिकवर कर लेते हैं फौरन अगर अटैक हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप ईमेल पे कोई जो है ना ओपन करने की कोशिश करते हैं, आपके ईमेल पे गलत पासवर्ड, फौरन आपको मैसेज आ जाता है, ठीक है, मैसेज। अब वो कौन डिटेक्ट कर रहा है? अब वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जीमेल का सिक्योरिटी मैकेनिज्म, गूगल का मैकेनिज्म उसको डिटेक्ट करता है फौरन कि ये देखें ये डिफरेंट आईपी एड्रेस से कोई जो है ना इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो वो यूजर को फौरन बताता है कि इसको जो है ना आप फौरन आपका पासवर्ड चेंज करें, ठीक है, या वो खुद से ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक क्या करना क्या है? रिकवर, रिकवर फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक। वो आपको बताता है कि मैंने इस लिंक से फलां जगह से किसी ने जो है एक्सेस करने की कोशिश की थी, मैंने उस लिंक को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। होप्स आपको समझ आ गई होगी इस बात की। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज, जो भी बताया था। सिक्योरिटी सर्विसेज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज दैट इनहांस द सिक्योरिटी। तो वो प्रोसेस, वो सिस्टम्स, वो सॉफ्टवेयर, वो टूल्स अप्लाई करना आपके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी अटैक्स। सिक्योरिटी अटैक्स ये दोबारा से फिर रिपीट हो रहा है कि कौन कौन से होते हैं। सिक्योरिटी अटैक असल में क्या होता है? कोई एक्शन, एन एक्शन दैट कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने। ये बार बार कुछ टर्म्स रिपीट हो रही हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि दोबारा से आपको समझ आ जाए, ठीक है। एन एक्शन दैट कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ एन इंफॉर्मेशन ओन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स आप जो है कोई एक स्टूडेंट ना स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस मुझे सेंड कर देना, मैं अटेंडेंस की। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अबाउट टू हाउ टू प्रिवेंट अटैक्स आर फेलिंग दैट टू डिटेक्ट अटैक्स इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको प्रिवेंट करना अटैक्स से, ठीक है। वो कह रहा है ऑफन थ्रेट एंड अटैक्स यूज टू मीन सेम थिंग, मतलब अटैक्स और थ्रेट जो है इनको सेम चीज ही बोलते हैं, सेम टर्म्स हैं ये। तो अटैक्स, वही बात आ गई, पैसिव अटैक्स, एक्टिव अटैक। ये मैंने समझने के लिए नेक्स्ट दो पिक्चर्स दी हैं कि पैसिव अटैक क्या होता है। मैंने बताया था कि आप डेटा सेंड कर रहे हैं, सेंडर टू रिसीवर डेटा सेंड हो रहा है, कोई थर्ड पर्सन दरमियान में से आपका डेटा रीड कर ले, जस्ट रीड कर ले, उसको मॉडिफाई ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचाए, इट मीन ये पैसिव अटैक है। देखें बॉब जो है अलाइज को मैसेज कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है, तो डार्थ क्या कर रहा है? वो रीड कर रहा है आप उस कंटेंट को, ठीक है, डार्थ कंटेंट को रीड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अब डेटा उसको भी सेंड हो रहा है अलाइज को, लेकिन डार्थ भी देख रहा है बेटा, इट मीन ये उसने कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक कर दिया, इट मीन पैसिव अटैक है ये। 10 मिनट के बाद जूम आउट हो जाएगा, मीटिंग दोबारा से आपने ज्वाइन करना होगा।
उसके बाद स्टूडेंट्स देखे हमारे पास एक्टिव अटैक, मैंने बताया था ये डायग्राम में आपको समझाने के लिए दिखाया है कि अब देखें बॉब अलाइस को मैसेज कर रहा है, दरमियान में से डार्थ ने क्या किया, एक्सेस की, उसका मैसेज एक्सेस किया, ठीक है। एक तो उसने कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक कर दिया, फिर उसने क्या किया उस मैसेज को चेंज करके सेंड कर दिया। अब एलाइस को ये नहीं पता कि ये बॉब नहीं ये मैसेज सेंड की है, दरमियान में से किसी ने चेंज करके सेंड किया। इट मीन उसने क्या किया, एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक किया, दूसरा इंटेग्रिटी पे अटैक किया। इसको बोलते हैं एक्टिव अटैक, जब आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी पे भी अटैक हो जाए, आपकी इंटेग्रिटी भी कंप्रोमाइज हो जाए, तो ये आपका एक्टिव अटैक होता है। मतलब आपके मैसेज को, आपके डाटा को कोई दरमियान में से एक्सेस करके चेंज करके सेंड कर दे, या उसको खराब कर दे, मॉडिफाई कर दे, या सेंड होने ही ना दे, अनअवेलेबिलिटी भी इसमें आ जाती है, या सेंड होने ही ना दे आपका मैसेज, तो ये एक्टिव अटैक आ जाता है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी इन डायग्राम से। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैसेज कर सकते हैं आप। तो देखिए सिक्योरिटी सर्विसेज, अभी जो मैंने आपको बता रहा था सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसको आप डिटेल में देखें क्या होता है, सिस्टमेटिक वे ऑफ डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर सिक्योरिटी एंड करेक्टराइजिंग अप्रोचेस टू सेटिस्फाइंग देम, कि किसी सिस्टम को सिक्योर करने के लिए वो फीचर्स, वो रिक्वायरमेंट जो सिस्टम को अटैक होने से डिटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके और उसको रिकवर कर सके, वो उसकी सर्विसेज होते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या करती हैं, इनहांस सिक्योरिटी ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो सिस्टम के डाटा को जो है वो सिस्टम को डाटा को सिक्योर करती हैं। इंटेंटेड टू काउंटर सिक्योरिटी अटैक्स, सिक्योरिटी अटैक्स से बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज दी गई हुई हैं, लाइक हमारे पास ये X800, ये सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम है, कुछ सिक्योरिटी मॉडल्स हैं ये, ठीक है। सिक्योरिटी मॉडल्स ये डिजाइन किए गए हुए हैं, जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं ना, उन्होंने ये कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी के कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हुए हैं, सिक्योरिटी के ये मॉडल हैं। मॉडल क्या होता है, एक सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर जिसमें उसके तमाम फीचर्स डिफाइन किए गए होते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए। उसके बाद ये दूसरा जो है, एक दूसरा सिक्योरिटी सर्विसेज है, सिक्योरिटी मॉडल है, हम इनको नेक्स्ट डिटेल में देखते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज X800 क्या है, ये कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करती है, देखें सिक्योरिटी सर्विसेज 800 जो है वो 4 फीचर्स प्रोवाइड करती है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन फीचर क्या है, इंश्योर करना कि आपके जो डाटा को, आपके सिस्टम को एक्सेस करने वाला पर्सन है वो ओरिजिनल पर्सन है या कोई और ट्राई कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आप अक्सर फॉर्म फिल करते हैं या कोई साइट ओपन करते हैं तो आपके सामने कैप्चा आ जाता है, या फॉर्म फिल करते हैं आपके सामने आ जाता है कि ये अगर आप जो है ना ये इंटर करें, कुछ आपको वो करेक्टर्स दिए जाते हैं कि ये करेक्टर्स इंटर करें कि आप रोबोट तो नहीं है कोई, या कोई जो है ना अनऑथराइज पर्सन तो नहीं है इसको एक्सेस करने वाला, तो इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये इसका एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जो है फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, या कोई आपके फेसबुक पेज पे, फेसबुक अकाउंट को कोई और लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आपके पास मैसेज आता है, ठीक है, या जीमेल को लॉगिन करने की कोशिश करता है, अगर आपने वो ऑथेंटिकेशन ऑन की हुई है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट को कोई एक्सेस कर रहा है, क्या आप ही हैं या कोई और है, अगर आप ही हैं तो ये क्या नाम है ओके कर दें, अदरवाइज अपना पासवर्ड चेंज करें, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। दूसरे नंबर पे एक्सेस कंट्रोल, आपके सोर्सेज को, आपके डाटा को प्रिवेंट करना, ठीक है। आपकी जो है कोई आपके डाटा को, सिस्टम को कोई अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके, उसको कंट्रोल करना। तो दूसरा फीचर इस सर्विस में क्या है, एक्सेस को कंट्रोल करना। डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके डाटा को कोई अनऑथोराइज पर्सन देख ना सके और एक्सेस ना कर सके, तो इसको बोलते हैं डाटा इंटेग्रिटी, ये सर्विस प्रोवाइड करती है डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा इंटेग्रिटी।
नॉन रिपुटेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिनाइल बाय वन पार्टीज, तो कोई आपकी सर्विसेज को अनअवेलेबल ना कर सके। नॉन रिपुटेशन का मतलब है आपकी सर्विस को कोई दरमियान में से ब्रेक ना कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये जो सर्विस मॉडल है X800, ये चार तरह के सिक्योरिटी फीचर्स देता है, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटेग्रिटी, नॉन रिपुटेशन। ठीक है, अब आ गया हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जो अभी हमने पढ़ा था। फीचर्स, वो टूल्स जो डिजाइन किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, किस लिए? डिटेक्ट करने के लिए किसी थ्रेट को, थ्रेट से किसी सिस्टम को बचाने के लिए, या फिर अगर कोई अटैक हो गया है, थ्रेट हो गया है, तो उसको, उस सिस्टम को रिकवर करने के लिए जो जो फीचर्स डिजाइन किए जाते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर या जो जो टूल्स डिजाइन किए जाते हैं, उनको बोलते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है, तो सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए कोई एक मैकेनिज्म नहीं अप्लाई किया जाता, डिफरेंट मैकेनिज्म्स अप्लाई किए जाते हैं, डिफरेंट सर्विसेज अप्लाई की जाती हैं इसके ऊपर। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स में क्या आ जाता है? टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, ये एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स में सिक्योरिटी सर्विसेज ही आ जाती हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देखिए, मैंने बोला था सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स में टूल्स, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, या कोई जो है हम डिजाइन करते हैं एल्गोरिदम, वो सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं, वो सारी सिक्योरिटी टेक्निक्स होती हैं। उन सिक्योरिटी टेक्निक में ये सर्विसेज इन्वॉल्व हैं। ये पहली टेक्निक है, सिक्योरिटी सर्विस है, ये X800 जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं। स्टूडेंट्स, आपने एक असाइनमेंट करनी है, जस्ट आपने सर्च करना है, मतलब सबमिट नहीं करवानी, आपने सर्च करना है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में कौन कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं, बैंकिंग में या जो है और दूसरे में, सिक्योरिटी वेंडर्स आपने देखने हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं और किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जस्ट आपने गूगल करना है। सिक्योरिटी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, अब आपके सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स होना जरूरी है। ठीक है, सिक्योरिटी के कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होना जरूरी है वो इसमें हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले टेक्निकल इंश्योर, एक्सेस कंट्रोल, कोई आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन अगर कोई एक्सेस करता है, ठीक है, वो फंक्शनैलिटीज हो आपकी सिक्योरिटी सिस्टम में, वो फंक्शनैलिटीज हो जो जब कोई आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, फौरन आइडेंटिफाई करे क्या ये ओरिजिनल यूजर है या कोई और जो है एंटिटी इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, और ऑथेंटिकेट करे फौरन उसको। सिस्टम कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन, आपके सिस्टम की जो है कम्युनिकेशन हो रही है, नेटवर्क है जो, उसको भी प्रोटेक्ट करे। सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी, आपके सिस्टम को कोई चेंज ना कर सके, डेटा को चेंज ना कर सके, मॉडिफाई ना कर सके, आपकी अवेलेबिलिटी पे अटैक ना कर सके, ये है टेक्निकल मैयर्स। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में टेक्निकल मैयर्स, टेक्निकल फंक्शनैलिटीज होना कौन सी जरूरी है, ये फीचर्स होना जरूरी है आपके सिक्योरिटी में। मैनेजमेंट कंट्रोल एंड प्रोसीजर, अब देखें मैनेजमेंट में क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी के अबाउट ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ऑडिट करना, चेक करना आया कि आपकी सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अपने फिजिकल रिसोर्सेज को जो है सर्विलेंस करना, कैमरास के थ्रू उनको देखते रहना कि कोई अनऑथोराइज पर्सन उनको एक्सेस तो नहीं कर रहा, या सॉफ्टवेयर के थ्रू आप, ये जो एक डाटा सेंटर होता है ना, ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें कम्युनिकेशन भी हो।